गाइस एक महीने में ये तीन एक्सरसाइज फॉलो करें लगातार, आपकी 36 की कमर 32 की हो जाएगी, एग्जैक्टली होगी, आपके इंचेस भी लूज होंगे, आपका वेस्ट साइज भी कम होगा और आपका जो लटकता हुआ पेट है आपको ह्यूज डिफरेंस फील होगा उसमें। कैसे? बस आपको इस तरह की एक प्लेट खरीदनी है अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ तो वेट लेना पड़ेगा। अगर आपको कुछ बेटर अपनी बॉडी को बनाना है तो खाली एक वर्कआउट से कुछ नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको अपनी बॉडी में, अपने वेट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। इस तरह की आप प्लेट ले लीजिए, सस्ती मिल जाती है जिससे आप होल्ड कर सकते हैं। और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ये है 7.5 किलो की। आप स्टार्टिंग बिगनर हैं तो आप 3 किलो की भी ले सकते हैं, 5 किलो की भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 7.5 किलो की ली है। ये 7.5 किलो आपके बॉडी को बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करेगा और ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, कैसे इसका इस्तेमाल करना है और कैसे अपने लटकते हुए पेट को स्क्वीज करना है। तो बारी आती है फर्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको चाहिए होगा मैट, कंफर्टेबल क्लोथ्स, पैरों की पोजीशन आपकी यही रहेगी जैसे आप मेरी देख रहे हैं। इस तरीके से प्लेट को होल्ड करिए, यहाँ पे अपनी बॉडी को लेके जाइए, वापस डाउन जाइए, नीचे लेटेंगे। ये आपको करने हैं 15 और 15 के करने हैं 2 सेट। बारी आती है सेकंड एक्सरसाइज की। सेकंड एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, आपके अपने जो हिप्स हैं उसको ऊपर उठाना है। आपको लेग्स की पोजीशन सेम रखनी है, आपको अपने हिप को पहले ऊपर लेके जाना है इस तरीके से, गर्दन अपनी मैट से टिका के रखनी है, ये आपकी पोजीशन रहेगी। वेट के साथ ध्यान से करिएगा, जो भी आप वेट लें जिसको आप अच्छे से होल्ड कर सके, कभी आपको कोई चोट ना लगे और पोजीशन करेक्ट देखेगा तभी उस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट आएगा, नहीं तो आपके मसल पेन हो सकता है। आपको करने हैं 15 और इसके करने हैं आपको 2 सेट्स। वेट अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, अब बारी आती है थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज में हमें अपनी बॉडी ऐसे रखनी है इस तरीके से, पैर हमारे ज़मीन से रहेंगे मैट से सपोर्ट के लिए, हमें ट्विस्ट करना है। देखिए पहले आपको मैं खाली करके दिखाती हूँ, हम रखते थे ऐसे ऐसे, इससे हमारी कमर जो होती है ना साइड्स वो बेंड होती हैं, स्क्वीज होती हैं और हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिससे कि आपके पेन यहाँ की टायर्स अंदर जाएंगे और आपकी बॉडी टोन होगी, आपकी बॉडी को कट मिलेगा। तो अब हमें ये काम करना है प्लेट से, क्योंकि अगर आपके हाथ में वेट होता है तो बहुत जल्दी आपके बेटर रिजल्ट आता है आपके बॉडी पार्ट पे। अब इसको हमें साइड पे लेके जाना है, पूरा टर्न होके प्लेट को हम नीचे नहीं रखेंगे। आप खुद देखेंगे आपके टमी एरिया में, आपके साइड्स में बहुत ज्यादा लोड आ रहा है। यहाँ पे मैंने ली है 7.5 kg की प्लेट, यानी 7.5 किलो की। आप ले सकते हैं 5 किलो की, 4 किलो की, 3 किलो की, जो भी आप इससे कम ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना आपका स्टेमिना है। हमें करने हैं 15 और उसके करने हैं 2 सेट्स। बॉडी को बहुत अच्छी शेप मिलेगी इससे, प्लीज और प्लीज वेट लेके जरूर करना। गाइस तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको फॉलो करो और उसके बाद मुझे 101% यकीन है कि आपका बहुत जल्दी टमी जो है वो रिड्यूस होगा, लोअर और अपर दोनों बहुत बढ़िया लगेंगे।
तो प्लीज मैं भी आपको चाहती हूँ आप मुझसे पिक्चर शेयर कर सकते हो हेल्थ टाइम पे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपकी पिक्चर दिखाऊंगी कि अगर आपने इस एक्सरसाइज से पहले आपका क्या वेट है, आप टाइट फिटिंग क्लोथ में अपनी पिक भेजो। फेसबुक पे जो मेरा पेज है वो हेल्थ टाइम, वहाँ पे अपने पहले की और आफ्टर की वन मंथ बाद जो आपको ऊपर रिजल्ट रहेगा इसको फॉलो करने के बाद वो भी जरूर सेंड करना। डेफिनेटली हो सकता है मैं आपको अपनी वीडियो में आने का भी चांस दूँ, बुलाऊँ आपको, और बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल सकती हैं। तो प्लीज़ फॉलो करो हेल्थ टाइम पेज को फेसबुक पे, इंस्टा पे मेरा अकाउंट है ईशा मेहरा 89, वहाँ भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही खूबसूरत प्यार देते रहे। मिलते हैं हम कुछ नई जोश के साथ और कुछ नई ज़बरदस्त एक्सरसाइजेस के साथ। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।